हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आश्वासन के बावजूद डॉक्टरों की स्ट्राइक आज अपने पांचवें दिन में पहुंच गई है। डॉक्टरों द्वारा सुबह 2 घंटों के लिए पंजाब के 6वें वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ पैन डाउन स्ट्राइक कर कार्य को ठप रखा गया। वहीं बीते कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने गृह जिला मंडी के थुनाग प्रवास के दौरान प्रदेश में डॉक्टरों की जारी हड़ताल को समाप्त करने की अपील की है। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश के डॉक्टरों से समस्या को लेकर आपसी सहयोग से हल निकालने की बात भी कही गई थी, लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल लगातार जारी है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री की अपील पर प्रदेश के डॉक्टरों का क्या रुख रहता है और आने वाले दिनों में हड़ताल जारी करने को लेकर डॉक्टरों द्वारा क्या निर्णय लिए जाते हैं। जो इशू उनका है वो रजिस्टर्ड हो गया है हमारे पास, क्या रास्ता उसमें निकल सकता है, क्या उसका समाधान निकल सकता है, हम उस सारे पर विचार कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ, पंजाब पे कमीशन ने अभी उसकी डिटेल्स आनी बाकी है, घोषणा हमने जरूर की है लेकिन उसकी डिटेल्स अभी आनी बाकी है, क्या क्या इम्पैक्ट किस किस पर को हमारे कर्मचारियों के पड़ेंगे वो सारी चीजों को उसके बाद ही कहना उचित रहेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स बहुत बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, कोविड में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उनसे मेरा निवेदन है कि मिल बैठ करके जो रास्ता निकलता होगा उस पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे। लेकिन जो स्ट्राइक पर जो जाने की बात है उस पर अगर ना जाए तो हमें अच्छा लगेगा। मामले पर डॉक्टर रोशन ठाकुर, महासचिव रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन मेडिकल कॉलेज नेरचौक ने कहा कि आज श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की जारी हड़ताल अपने पांचवें दिन में पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अपील का स्वागत करते हैं और आने वाले समय पर प्रदेश सरकार द्वारा कोई ठोस निर्णय लिया जाता है तो हड़ताल को वापस लिया जा सकता है। जो आरडीए नेरचौक मेडिकल कॉलेज है और साथ में मंडी मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन है, हम लोगों का आज 5वां दिन है पैन डाउन स्ट्राइक का। टीचर्स एसोसिएशन का आज डे 1 है। तो यह स्ट्राइक हमने एनपीए को 25% से 20% रिड्यूस करना और उसको मेन सैलरी से डीलिंक करना, जिसकी वजह से हम सभी डॉक्टर्स की सैलरी में काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होने वाला है, उसके अगेंस्ट हम लोग ये स्ट्राइक कर रहे हैं। यह जो प्रोविज़न किया गया है ये 6th Pay Commission में, पंजाब गवर्नमेंट ने जो 6th Pay Commission लागू किया जा रहा है पंजाब में, उसको किया गया है और वही कमीशन जो है हमारे यहाँ पर फॉलो किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे डॉक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होने वाला है। जबकि एक तरफ हम लोग इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, कोविड की ड्यूटीज़ कर रहे हैं और अपने लाइफ को भी रिस्क पर रखा हुआ है, और ये सब लोग जानते हैं कि 1.5 साल से कितना काम करना पड़ रहा है, लेकिन उसके दूसरी तरफ जहां हमें क्रेडिट मिलना चाहिए था उल्टा डिसक्रेडिट मिल रहा है हमारी सैलरी रिड्यूस करके। तो हम लोग यह स्ट्राइक अभी डे 5 पे कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि पैन डाउन स्ट्राइक है, और हम लोग नहीं चाहते कि किसी भी तरह से पेशेंट का कोई नुकसान हो, इसलिए इमरजेंसी सर्विसेज अभी जारी रखी गई हैं। हम लोग तो यही कहना चाहते हैं जी कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने एक तो इस बात को उन्होंने संज्ञान लिया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं और उनकी इस अपील का सम्मान भी करते हैं। इसी के तहत हम लोगों ने यह कोशिश की है कि किसी भी मरीज को किसी भी तरह से हॉस्पिटल में परेशानी ना हो, ताकि इमरजेंसी सर्विसेज भी चलती रहें और कोई प्रॉब्लम भी ना आए। और इसके साथ में हम यह कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने अपील की है यह हड़ताल को वापस लेने का निर्णय तो तभी हो पाएगा जब सभी एसोसिएशन जो हिमाचल की मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन है और जो आरडी एसोसिएशन है और टीचर्स की एसोसिएशन है, ये सब मिलके जो है इनको कोई ठोस आश्वासन सरकार की तरफ से मिलता है कि आगे हमारे साथ ऐसी कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज कंटिन्यू नहीं करेंगी, तो यह डिसीजन फिर उसके बाद जो है सभी एसोसिएशन मिलके मीटिंग के बाद ले सकते हैं। कंधा मिला के कर रहे हैं और हम सपोर्ट कर रहे हैं पंजाब सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन को, तो आगे जो हमारा निर्णय रहेगा वो इन लोगों के साथ मिलकर ही रहेगा कि हमारी डिमांड्स को कितनी तवज्जो दी जाती है पंजाब सरकार के द्वारा और हमारी हिमाचल सरकार इसमें कितना एफर्ट करती है। तो जिस तरह से अगर हमारे लिए यह सिक्योरिटी रखी जाएगी आगे कि इस तरह की कोई रेगुलरिटीज़ नहीं होगी तो हम इसको स्ट्राइक को ख़त्म करने की तरफ सोच सकते हैं, लेकिन अगर ये हमें कोई इसके बारे में आश्वासन नहीं मिलता है तो हम लोग इसको स्ट्राइक को कंटिन्यू करेंगे और सभी एसोसिएशन के साथ मिलकर निर्णय लेंगे कि आगे स्ट्राइक को कंटिन्यू कितना रखा जाएगा और या जो एग्रेसिव रूप भी इसको दिया जा सकता है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव।
मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goelmotor.com पर।